सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज स्वीप गेस्चर को कैसे अनेबल और डिसेबल करते हो। मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज की होल्ड करके आर प्रेस करना है। उसके बाद आपको gpedit.msc टैप करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है विंडोज कंपोनेंट्स में। यहाँ पे आपको सर्च करना है एज यूआई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको अलाउ एज स्वीप पे भी डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल और डिसेबल। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल को सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, नॉट कन्फ्यूग पे सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट एज स्वीप गेस्चर को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक जिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट।